एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 500 रुपए का, 600 का, बोलिए कितने का मिल रहा है? 1100, 1200, 1400 रुपए का घरेलू गैस का सिलेंडर मिल रहा है। इसलिए आप खुश नहीं है, पर जो बहन कह रही थी मैं खुश हूँ, अब उससे पूछती हूँ, बैंक खातों में सब्सिडी आ रही है ना, मोदी जी पैसा डाल रहे हैं ना, नहीं डाल रहे फिर क्यों खुश हो? ये त्रिपुरा के लोग हैं, बेरोजगारी महंगाई की मार में भी इनके चेहरों पर मुस्कान है। ये हिम्मत है आप लोगों की कि अपने ऊपर आ रहे हर हमले को आप मुस्कुराते हुए टाल जाते हैं, उसे आगे ले जाते हैं। दिल्ली से 15 साल लगे मुझे वापस त्रिपुरा आने में, 15 साल बाद आई, लेकिन 15 साल पहले वाला जो त्रिपुरा मैं जानती थी जब छात्र राजनीति में थी, तब कभी भी त्रिपुरा की तस्वीर दिल्ली में हिंसक नहीं दिखे, त्रिपुरा के लोग कभी हिंसक नहीं दिखे, लेकिन आज दिल्ली में तस्वीर है कि त्रिपुरा में हिंसा है, मार है, काट है, लेकिन ये त्रिपुरा नहीं है, ये मात्र एक राजनीतिक दल है जो अपने हाथों से सत्ता जाते हुए देखता है तो धन बल सत्ता का इस्तेमाल करके हिंसा पर उतारू है। ये त्रिपुरा नहीं है, ये एक राजनीतिक दल है जो किसी कीमत पे सत्ता अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं आपसे धर्मपुरा धर्मनगर के लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर साल प्रधानमंत्री जी कहा था डबल इंजन की सरकार दे दो दिल्ली में, सरकार यहाँ सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 9 साल पूरे 18 करोड़ नौकरियां। देखना चाहती हूँ, आज पूछूंगी कि 18 हाथ खड़े होते या नहीं, बताइए किसको? पिछले 5 साल में इस भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सरकारी और पक्की नौकरी दी हो, 18 करोड़ नौकरियों का वायदा था, 18 नौकरियां मिली हो, हाथ खड़ा करिए जिसको नौकरी पक्की सरकारी मिली 5 सालों में भाजपा के राज में। एक हाथ नहीं खड़ा होता है। बहने कह रही है महंगाई है, रोजगार के नाम पर बेरोजगारी की मार है, सरहदों से आते हो यहाँ पर भी जवान पुलिस की वर्दी में खड़े हैं, सरहदों पर भी जवान खड़ा है, देश नहीं बिकने दूंगा का कहने वाले से आज आपको पूछना होगा। हमसे सवाल करते हैं कांग्रेस ने क्या बनाया 70 सालों में, उनसे कहिए प्रधानमंत्री जी जो आप हर रोज बेच रहे हैं वो कांग्रेस ने ही तो बनाया था। LIC बेच दिया, MTNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह पोर्ट बेच दिए, देश का लाल किला जहां पर आजादी का पहला तिरंगा झंडा लहराया था वो लाल किला अडानी। आपके 2 लोकसभा सांसद और एक जो मुख्यमंत्री थे राज्यसभा सांसद बना दिए गए हैं, तीनों दिल्ली में है, संसद का सत्र चल रहा है, खोलिए टीवी को देखिए संसद के सत्र को कि आपके भाजपा के ये नेता आपके सांसद त्रिपुरा की लड़ाई को दिल्ली में आपके हक आपका अधिकार गरीब का जो इसके लिए लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, खामोश है वो, चुप है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्यों हटाना पड़ा आपको मोदी जी बताना होगा भाजपा को, अपने मुख्यमंत्री को क्यों हटाना पड़ा, हटाया ही नहीं, त्रिपुरा से बाहर कर दिया, किसी और राज्य में भेज दिया प्रभारी बनाकर, लेकिन वो चाहत समझ रहे हैं कि त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बदल देने से जो 4 साल त्रिपुरा के लोगों ने बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार, अराजकता, वहां बहन बेटियां खड़ी हैं हमारी, कितनी असुरक्षित है हमारी बेटियां, ये उस भाई उस पिता से पूछो वो आपको बताएगा कि 400 बेटियों के बलात्कार हुए हैं, न्याय नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिल रहा है। संसद सत्र में श्री राहुल गांधी गरज रहे हैं, देश छोड़ा कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर पैदल चला राहुल गांधी, देश को जोड़ने चले राहुल,
गांधी किसानों से मिले, आदिवासी दलितों से मिले, बेरोजगार युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, किसानों से मिले राहुल गांधी। और आज जब पार्लियामेंट में बोलने की बारी हुई तो राहुल गांधी जी उन सबकी आवाज बनकर देश में बैठी, दिल्ली में बैठी तानाशाह सत्ता से सवाल पूछने के लिए खड़े हुए राहुल गांधी। पूछा पूंजीपति मित्रों के, आप इतने खास हैं कि आज देश का एक पूंजीपति मित्र जो विश्व के सबसे अमीर आदमियों में गिना जा रहा था, उसकी पोल खुली, औंधे मुंह आकर गिरा। क्या नाम है उस पूंजीपति मित्र का? देश जान चुका है क्या नाम है। किसको बेचा एयरपोर्ट, किसको बेचे पोर्ट, किसको बेचा LIC और बैंकों का पैसा आपका हमारा? अडानी। कितना कमा रहा है अडानी? ये मेरे गरीब मजदूर भाई खड़े हैं, पूछती हूँ कितना कमा लेते होगे देखे। अब तो मनरेगा की बहनें भी कहती हैं गुजारे लायक मनरेगा में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो कांग्रेस के समय पर आई थी, गांव में विकास के लिए आई थी, गरीब को ताकत देने के लिए आई थी, मजदूर को, अब उसमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है, 100-200 रुपया दिहाड़ी भी नहीं मिल रहा। लेकिन अडानी कितना कमा रहा है एक दिन का? 1,000 करोड़ रुपया रोज का। कितना? 1,000 करोड़ रुपया। जाइए बैंक में, किसी सरकारी बैंक में, देखती हूँ हमारे बेरोजगार नौजवान युवाओं को अपना काम खोलने के लिए तुरंत पैसा मिलता है बैंकों से या नहीं मिलता है। जाइए, कर्ज में डूबा हुआ है किसान, नशे की लत में पड़ रहा है देश का युवा, कर्ज नहीं देगा बैंक आपको। लेकिन मोदी जी के पूंजीपति मित्र अडानी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने 27,000 करोड़ दे दिया। किसका पैसा है? किसका पैसा है? देश के बैंकों में आपका और हमारा, आपका और हमारा है, किसान का है, गरीब का है, मजदूर का है, मेहनत और ईमानदारी का पैसा है जो बैंकों में रखा है। और ये पैसा किसको दिया जा रहा है? किसान का कर्ज नहीं उतारा जा रहा, युवाओं के लिए छोटे उद्योग नहीं खोले जा रहे इंडस्ट्री, ये अपने पूंजीपति मित्र को उसकी जेब भरने के लिए दिया जा रहा है। देश में नशा आ रहा है, कहां से आ रहा है नशा? किसी ने सोचा? ये नशा आ रहा है डंके की चोट में बताकर जा रही हूं, डरती नहीं हूं, सबूत दिए हैं। गुजरात जहां से देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री आते हैं, उस गुजरात के मुद्रा में, मुद्रा पोर्ट, बंदरगाह जिसका मालिक है अडानी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पूरे देश में नशा वहां से आ रहा है। हजारों किलोग्राम का नशा पकड़ा जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी नहीं टूटती और ना कोई कार्रवाई होती है। देश का बेरोजगार युवा नशे की लत में है, बेरोजगारी भी इन्हीं की देन है और नशा भी इनकी देन है, ताकि युवा खड़ा होकर सवाल ना कर सके इनसे। मैं आपसे कहने आई हूं, हिमाचल में इनका घमंड था, हमने चकनाचूर किया, डबल इंजन की भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिख कर रख लीजिएगा। इसी साल 2023 में जहां पर त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव चल रहा है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी इसी कुछ महीनों में चुनाव है, और अगले महीने तो साउथ भारत का, दक्षिण भारत का, कर्नाटक का सबसे बड़े राज्य में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, लिख कर रख लीजिए, औंधे मुंह आकर गिरने वाली, और कांग्रेस का परचम हिमाचल की तरह, त्रिपुरा की तरह लहराने लगा है। न्याय होगा एक एक बहन के साथ, देंगे आपको महंगाई से राहत, खोलेंगे सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह, ताकि आप, यहाँ की बहनों को मैंने देखा है, हाथ में, घर में हाथ से काम करती है, छोटी मोटी चीजें बनाती है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की चीजें पूरे विश्व में लोगों को पहचान मिला है, लेकिन छीन लिया है आपकी रोजी रोटी के साधनों को सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए। मैं आपसे कहूंगी, हमारी तस्वीरें दिखाते हैं कि इंदिरा गांधी जी
धीरू भाई अंबानी के साथ दिखती थी। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री कांग्रेस राजस्थान, उनकी भी अडानी के साथ फोटो है। फोटो होना हाँ, और इंदिरा गांधी की तस्वीर धीरू भाई अंबानी के साथ थी ना, तो गरीब मजदूर किसान के साथ भी थी या नहीं थी? हाँ या ना, थी या नहीं थी? ये जो आज खाई पैदा की है, गरीब और अमीर के बीच का फर्क कर दिया है, अमीर अमीर हो गए, गरीब बिल्कुल कर्ज में डूबकर आत्महत्याएं किसान कर रहे हैं, ये फर्क कांग्रेस में नहीं था। छोटे उद्योग थे, सबको कर्ज मिलता था। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, सबको कर्ज मिलते थे, बिना ब्याज के मिलते थे। आज भी हम यहां पर युवाओं को कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आते ही बिना ब्याज के हर युवा को 5 लाख तक का बैंकों से यही से कर्जा हम दिलाएंगे, ताकि वो अपना सरकारी पक्की नौकरी नहीं तो काम धंधा शुरू कर सके। 50,000 पद, देश भर में कहूं तो 30 लाख सरकारी नौकरी के पक्के पद खाली पड़े हुए हैं, 30 लाख। और आपके त्रिपुरा में कितने पद खाली पड़े हैं सरकार में? 50,000 सरकारी नौकरियों के पक्के पद खाली है। युवा पढ़ा लिखा है लेकिन खाली पद पड़े, रोजगार नहीं आपको देंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे। सो आप सभी से कहूंगी, हमारे घोषणा पत्र में है कि महिलाओं को घरेलू गैस के सिलेंडर में, राजस्थान की सरकार ने ऐलान कर दिया है, वहां पर राजस्थान में 1 अप्रैल से हर बहन को सिलेंडर चाहे 600, 800, 1200, 1500 का हो। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने वहां की बहनों को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वायदा किया, और देंगे देंगे। जितने सरकारी कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हिमाचल में ओपीएस पुरानी पेंशन योजना बहाली कर दी गई है। हर सरकारी नौकरी से जो रिटायर हुआ है उसे घर बैठकर इज्जत से पुरानी पेंशन देंगे हम लोग। तो मैं आप सभी को कहूंगी, हमारे भाई यहां से विधानसभा के उम्मीदवार चक्रवर्ती जी हैं, माफी चाहूंगी भट्टाचार्य जी, 1 सेकेंड आप आइएगा, मुझे दिल्ली से आकर इनके बारे में आपको बताने की कुछ जरूरत है, ये कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं। पर कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने क्यों इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया? क्योंकि एक सच्चे ईमानदार और आपकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसलिए हमने इन्हें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देकर आपके बीच में बैठा है। अभी मेरे से पहले सुदीप रॉय बर्मन जी बोल रहे थे ना, भाजपा में विधायक थे, मंत्री थे, दिल्ली में सरकार, त्रिपुरा में सरकार, सत्ता की मिलाई भाजपा खा रही है, खाते रह सकते थे, क्यों छोड़ा, क्यों आपके बीच में दोबारा आए और क्यों आपने दोबारा उन्हें जिताया? क्योंकि आपको मालूम है सुदीप रॉय बर्मन जैसे लोग सत्ता को अपनी ठोकर पर रखते हैं। जब अपनी आवाम, अपनी जनता की बात आएगी, उसके हक अधिकारों की बात आएगी, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो सुदीप बर्मन जैसे लोग सत्ता को ठुकराते हैं, जनता में जाते हैं और जनता दोबारा उन्हें जिताती है, सर आंखों पर बिठाती है। आज आपसे कहूंगी, ताकत दीजिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी को, ताकत दीजिए। आज त्रिपुरा में हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, पूरी उम्मीद है दिल्ली देश आपकी तरफ देख रहा है, मुझसे भी जब से आई हूं दिल्ली और देश पूछ रहा है कि क्या हिमाचल की तरह त्रिपुरा में भी बदलाव आएगा या नहीं। मैंने कहा ये मैं कैसे बता सकती हूं, ये बताने का काम त्रिपुरा के लोगों का है। आप बतलाइए बदलाव आ रहा है या नहीं, बदलाव आ रहा है या नहीं, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है या नहीं, रोजगार आ रहे हैं या नहीं, अन्याय अत्याचार का अंत हो रहा है कि नहीं, खुशहाली लौट रही है कि नहीं, ये चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है। मेरी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, मीडिया के सवालों के जवाब देंगे,
हमारे नेता श्री राहुल गांधी हो या हमारे जैसे कार्यकर्ता, मीडिया से बात करते हैं, जनता के सवाल लेते हैं और उनके जवाब देते हैं, पर यह हिम्मत देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में नहीं जुटा पा रहे हैं कि सीधा जनता से संवाद करे, मीडिया से प्रेस वार्ता करके लोगों के सवाल के उसके जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहिए प्रधानमंत्री जी एक प्रेस वार्ता करिए, बहुत से हमारे दर्द हैं जो हमारे मीडिया के भाई आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप सभी से कहूंगी, अगरतला से यहां तक का 4 घंटे का सफर बहुत ही सुखद रहा, इस सोच में आई कि आप लोगों से मुलाकात होगी और आपकी आवाज त्रिपुरा में मेरा क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाकर जा रही हूं, जो त्रिपुरा के लोगों के आपके हक और अधिकारों को छीना है दिल्ली ने, उस दिल्ली में राहुल गांधी से लड़ाई लड़ने का काम हम आपके लिए करेंगे। दिल्ली से लेकर अगरतला तक, यहां तक आपके हक आपके अधिकारों के लिए हम यहां पर आपके साथ है। ज्यादा इंतजार नहीं है, 16 को आपको फैसला करना है, हाथ का बटन 16 तारीख को, और 2 तारीख को आपने अगर त्रिपुरा का भविष्य हमारे हाथों में दिया, 2 मार्च को आप सोच लीजिएगा आपकी जिंदगी एक बड़े बदलाव के लिए खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं फिर कह रही हूं, यहां का मीडिया देख रहा है, दिखा रहा है, दिल्ली का मीडिया कल से जब प्रधानमंत्री उतरेंगे, रक्षा मंत्री उतरे हुए हैं, तो फिर झूठ बिकेगा, झूठ बिकेगा, जाति और धर्म भड़ी आपस में लड़वाए जाएंगे। तो आप सबसे कहूंगी, हर एक के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पर जिन्होंने भी जो जो दर्ज किया है अपने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि ये आवाजें दब ना सके, क्योंकि ये आवाज त्रिपुरा की आवाज है और आपकी आवाज है। इस आवाज को यहां से दिल्ली तक पहुंचाना होगा, सोती सरकारों को जगाना होगा, एक एक पाई पाई का हिसाब पिछले 5 साल का आपको हमें लेना होगा। मेरी शुभकामनाएं है मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और आप सभी का, यहाँ पर आए एक कार्यकर्ता का, जनता का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।